비치하죠, 비치. ट्रेलर बहुत ही अच्छा था और मैं गौतम दा का, प्रसन्नजीत का, दोनों का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ उनको इनक्रेज करने के लिए इस तरह की फिल्म को। गौतम दा हमेशा एक पार एक्सीलेंट सिनेमा बनाते हैं, हमेशा उनके पिक्चर से लोगों को प्रेरणा मिलती है और हम युवा निर्देशक जितने लोग हैं हमेशा ही उनकी पिक्चर देख के बड़े हुए हैं। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू कैच अप विद गौतम दा एंड इट्स एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म। इट्स श्योर गोइंग टू बी अ ग्रेट मास्टरपीस। थैंक यू। ये पार्टीशन का मूवी है और बंगाल में और पंजाब में ये पार्टीशन का जो मुद्दा है वो आज भी जिंदा है लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में। तो हमारा एक मूवी आया था लास्ट ईयर राजकाहिनी, वो भी पार्टीशन वाला मूवी था, जो अभी हिंदी में हम विद्या बालन के साथ जो हिंदी में बना रहे हैं बेगम जान। बेगम जान जो बंगाली मूवी का रीमेक है वो भी पार्टीशन, वो उसका मुद्दा भी पार्टीशन था, वो पिछले साल रिलीज़ किया। अभी इस साल रिलीज़ कर रहा है शंकोचीन, ये भी पार्टीशन वाला जो बहुत ही संजीदा मुद्दा है वो उसको लेकर है। एंड गौतम दा के बारे में क्या बताएं, गौतम घोष ही इज़ अ लेजेंड। उनके जो पिक्चर्स हैं, उनके जो सिनेमा वो देख के हम लोग बड़े हुए हैं। सो ही इज़ लाइक अ टीचर एंड बुम्बा दा ही इज़ काइंड ऑफ कैरिंग द इंडस्ट्री 30 साल से अपने कंधों पर। सो एम वेरी प्राउड ऑफ वर्क विद बुम्बा दा एंड प्रसन्नजीत इन सो मेनी पिक्चर्स, इन सो मेनी फिल्म्स। नाउ ऑल द बेस्ट फॉर दिस, आई होप इट डज ग्रेट बिजनेस एंड गेट्स ग्रेट क्रिटिकल अक्लेम एंड इट्स ऑल्सो ऑन द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट बंगाली फिल्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, बेगम जान विशेष फिल्म्स का प्रोडक्शन है, महेश भट्ट और बेगम जान के भूमिका में विद्या बालन है, किरदार विद्या बालन निभा रही है एंड वो भी पार्टीशन के बेसिस है, उसका बेसिस भी पार्टीशन है। मेरा वो राजकाहिनी नाम का जो बंगाली मूवी था उसका ही रीमेक है। तो लग रहा है कि ये पार्टीशन का जो टॉपिक है वो हाल ही में बहुत उभर के आ रहा है और सामने ज़रूर इसके ऊपर और भी सारी मूवीज़ होंगी। Thank you very much.
many actors who have already come. This film has released in Bengal and in Bangladesh and also in most of the metros, and we are getting a good response. It's a very heartfelt film. It has come from my deeper feeling since my childhood, the feeling of the partition and the aftermath and the effects beyond. So it's a film that I'm looking forward, and I'm sure that people will film with me about the film. Thank you very much. Sir, itni bade paimane par, matlab itne bade platform par ye movie release ho rahi hai. Bengali film zyadatar hoti nahi hai, lekin ye film ha, Bengali film abhi hona chahiye, because Marathi films are releasing, Telugu, Tamil releasing, why not Bengali? And Bengali population is there all over. And cinema is cinema. Cinema doesn't have language ke bare kuch nahi hai. Bengali film, non-Bengalis bhi dekhte hai. Bengalis, non-Bengali film dekhte hai. So it's like that, you know. Thank you. हिंदी में भी करने वाले हो? हिंदी में हाँ, मेरा नेक्स्ट फिल्म है इंडो इटालियन को प्रोडक्शन इन हिंदी इंग्लिश एंड इटालियन मल्टीलिंगुअल फिल्म. इसीलिए तो आया हूँ नेशनल अवार्ड, क्योंकि तू मेरा दोस्त है प्रसन्न जी. जब से एक्चुअली हम लोग ने एक साथ ही ऑलमोस्ट करियर शुरू किया था, और वो सुपर हिट हो गया था, मैं फ्लॉप हो गया था. उसके बाद एक इतनी बड़ी पिक्चर है जहाँ पे गौतम घोष जैसे डायरेक्टर हैं, एक नेशनल अवार्ड विनर है, और मुझे मेरे घर के सामने फिर मेरे हर दुर्गा पूजा में प्रसन्न जी हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, तो मेरे लिए तो एक फैमिली अफेयर हो गया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. प्रोड्यूसर भी मेरे दोस्त हैं, सो मेरे लिए तो ये फैमिली अफेयर हो गया. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन इट्स अ फिल्म किससे बड़ी होती वो स्टार का असर नहीं होता. फिल्म बनती कैसे उसके बाद बड़ी होती है, रिलीज होने के बाद. आई थिंक दिस इज द फिल्म जो रिलीज होने के बाद बड़ी हुई. अब ये निकलेगा तो कितनी बार स्टे करेंगे.